For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजा नाई, फेस वार्ता कैमरे, हमारे विचार आपके। देखिए 15 तारीख को आबूपुर में चुनाव हुआ, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। वो जो जिला पंचायत के लिए लड़ रहे थे यहाँ से शौकेंद्र चौधरी जी, एक और उनके सपुत्र हमारे साथ है, एक नौजवान है, युवक है, खूबसूरत चेहरा है। क्या वो भी राजनीति में कुछ दिलचस्पी रखते हैं या कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं? राजनीति के बारे में उनके क्या विचार है? क्या आने वाले समय में वो भी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे? आइए मिलते हैं। हेलो, मेरा नाम, सबसे पहले आप अपना परिचय। हेलो, मेरा नाम रितम चौधरी है। रितम चौधरी, मैं जिले वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत के प्रत्याशी शौकेंद्र चौधरी उनका बेटा। अच्छा, आपकी उम्र कितनी? उम्र मेरी 21। अच्छा, 21 में जिला पंचायत की, आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं या आपने इसके लिए कोई वर्कशॉप भी की? सर, प्रैक्टिकली तो जितना भी उन्होंने, पापा ने मेरे अभी तक काम कराया है, उनके साथ में हमने रहते देखा है कि जो भी काम कैसे होता है, तो हमने सारा देखा है कि किस तरीके से होगा और कैसे होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसी के थ्रू मिला है और आगे रेडी रहने के लिए तो बेसिकली करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो पापा को, शौकेंद्र चौधरी जी को कहीं ना कहीं आप अपना मार्गदर्शन गुरु मानते हैं राजनीति, तो क्या सीखा आपने उनसे कि एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए? हाँ जी, राजनीति तो बेसिकली सबको पता है कि अगर आपको बचना है तो थोड़ा बहुत टाइम तो आपको अपने एरिया में देना पड़ेगा। मोस्टली जो मेन फोकस है मेरे पापा का भी है, और यही बात मैंने उनसे सीखी है कि लोगों से मिलजुल कर रहना है, सभी समाज में को बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए और साथ में रहना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। अच्छा रितम चौधरी जी, अभी आपने एक बात कही, मैं सुन रहा था आपकी बात, आपने कहा कि लोगों से तालमेल बना के रखना चाहिए, सबको एक समान सोचना चाहिए। अभी हमारी जो केंद्रीय सरकार है, भारत सरकार जो केंद्र में बैठी, आप एक युवा, आपकी कुछ अपेक्षाएं केंद्र सरकार से? सर, थी एम्प्लॉयमेंट की, ये सबसे बड़ा फोकस एम्प्लॉयमेंट पे है, जिसपे बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि वो जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था उतना वो पूरा नहीं हो रहा है। आप मोदी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, आप कह सकते हैं, पर ये पूरा ओवरऑल इंडिया में यही चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रही है। तो और प्लस कोविड की वजह से और ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कि कोविड-19 की वजह से जो लोग एम्प्लॉयड थे उन्हें भी निकाल दिया जाए जॉब से। तो अपेक्षाएँ तो यही थी कि शायद जॉब क्रिएट होंगी, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ेंगी, वो उतना हो नहीं पाया। तो आगे अगर यही है कि मेन फोकस यही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, लिविंग कंडीशन इम्प्रूव होनी चाहिए बस। अच्छा, अगर अभी आपने कहा कि मैं भी जिला पंचायत की तैयारी करूँ, जैसे कि आपका कहना है, अगर आपको जनता चुनती है तो क्या आपका फोकस इस पर रहेगा कुछ युवाओं को लेकर, एम्प्लॉयमेंट जैसे आप कह रहे हैं कि नौकरी की लेकर बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में? सर, जितना बेसिकली जैसे आपको पता है कि जिला पंचायत में तो मोस्टली अभी जो निधि है जिला पंचायत की निधि है कि वो कनेक्ट कर रहा है। 2017 में कैंसिल हो गया था उनका कि जो आप गांव के अंदर काम नहीं करा सकते। प्लस एम्प्लॉयमेंट की बात ये रही कि जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं करूँगा, बट वो इसमें आता नहीं है। अगर आगे कुछ शायद मे बी उससे बड़ा कुछ हुआ तो वहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, बट मोस्टली ये है कि हमें अवेयर बनाना है अपने यूथ को, जो भी हमारे जो हमारे साथ के दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन सबको अवेयर बनाना है कि आप कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, किस सेक्टर में घुसना चाहिए, ये ज़रूरी बात है। अच्छा रितम जी, एक बात बताइए, राजनीति का विकल्प ही आपने क्यों चुना? सर, छोटा तो नहीं, अभी तो मैं पढ़ भी रहा हूँ। जैसे कि आप रूपरेखा बना रहे हैं आने वाले समय में, आप बोल सकते हैं, पर क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ की राजनीति अच्छी नहीं है, यहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा भेदभाव, जातिवाद है, बहुत ज़्यादा लोग जिसे बोलते हैं कि कट रहे हैं, एक साथ जुड़ के नहीं रह रहे हैं। तो ये सब आप खत्म कर सकते हैं? कोशिश तो मैं कम कर सकते हैं, कम करने की कोशिश होगी, खत्म करना इम्पॉसिबल है, जो कम कर सकते, हाँ कम करने की कोशिश रहेगी, जो इम्पॉसिबल है उसे मैं खुद कह नहीं सकता कि मैं कर दूंगा, बट कम उसे जितना मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ उतना कोशिश। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, अगर आप आगे की रणनीति तय करते हैं तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस पार्टी का मुझे जनसेवा बनकर समाज की सेवा करनी चाहिए, कौन सी पार्टी को आप प्राथमिकता देंगे, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हैं हमारे भारत में। सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे मेरे आइडिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्यों?
आप कॉन्स्टिट्यूशन आपके सारे लॉ लिख के लिए बेसिकली वो इंडिया के सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ लेबर वो थे, लॉ थे इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने पूरा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही है। और उनकी आइडियोलॉजी जो सबसे ज़्यादा पार्टी इस टाइम फॉलो कर रही है वो बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा, तो मोस्टली तो मैं उसकी तरफ लीन करता हूँ। हाँ जी, क्योंकि वो हम जितने भी एस सीज हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ओ बी सीज हैं, बैकवर्ड कास्ट, उन सबको साथ में लेके उनकी लिविंग कंडीशन इम्प्रूव करने की तरफ लगे हुए हैं, वो ही हमारा। तो आप मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में, कम से कम भारतवर्ष में तो अभी हम नहीं कह सकते, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में एक अच्छी पार्टी बनेगी और समाज की सेवा करेगी और उसके आप सिपाही बन सकते हैं? सर ऑब्वियसली ये तो प्रूफ है, क्योंकि ऑलरेडी चार बार सीएम रह चुके हैं इस पार्टी से। मैंने हमारी मैम जी हमारे लिए तो बुआजी हुई, हमारी बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, तो वो रह चुकी हैं, उनको एक्सपीरियंस है। और आप सब जैसे आप सभी जानते हैं कि जब उनके टाइम में सबसे कम क्रिमिनल केसेस थे पूरे यूपी में, अभी तक यूपी की हिस्ट्री में सबसे कम रेप केसेस थे, सबसे कम चोरी वगैरह थी, और प्लस जितना भी प्रशासन है बहुत ही सख्त था, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, वो ही हम चाहते हैं कि प्रॉपर है। अच्छा, देखिए ये है रिदम चौधरी। रिदम चौधरी का कहना है कि अगर मैं सिपाही बना तो बहुजन समाज पार्टी से बनूंगा, और क्यों बनूंगा वो सारी वजह भी बताएं। बाबा साहब ने वहाँ एक बोली, बाबा साहब के बारे में उनके अच्छे विचार हैं, जैसे कि उनका कहना था शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संविधान उन्होंने लिखा था, तो बाबा साहब से कहने के इंस्पायर है, और कुमारी बहन मायावती जी से भी इंस्पायर है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके काम से इंस्पायर है। आदमी आदमी से इंस्पायर नहीं होता, उसके काम से इंस्पायर। तो रिदम चौधरी ने अपना मन बनाया कि मैं भी जनसेवा करूँगा और जनता के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करूँगा और कम करूँगा, जो गंदी राजनीति हो चुकी है उसे अच्छी राजनीति रिदम चौधरी करे। चलिए, हम फेस वार्ता की टीम इस एक युवा को बेस्ट ऑफ लक करती है, शुभकामनाएं देती है कि अच्छा काम करे, अच्छी राजनीति करे और युवाओं के लिए कुछ सोचे। इसी के साथ देंगे इजाज़त और रिदम चौधरी को देते हैं शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैमरामैन अजय राजपूत के साथ मैं।